वेलकम टू द देसी कार चैनल। फ्रेंड्स, इंडिया में किया सेल्टोस के सक्सेसफुल लॉन्च के बाद किया मोटर्स अब मल्टीपर्पज व्हीकल यानी कि एमपीवी सेगमेंट में अपनी दूसरी गाड़ी किया कार्निवल को जनवरी 2020 में लॉन्च करने जा रही है। आज इस वीडियो में हम आपको इंडिया में लॉन्च होने वाली किया कार्निवल एमपीवी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। सबसे पहले फ्रंट लुक की बात करें तो किया कार्निवल एक टिपिकल एमपीवी के जैसे दिखती है, लेकिन इसमें कुछ स्पोर्टी और एलिगेंट डिजाइन एलिमेंट्स यूज किया गया है, जैसे कि किया मोटर्स का फेमस टाइगर नोज ग्रिल, स्पोर्टी फ्रंट बम्पर, एलईडी फॉग लैंप्स, प्रोजेक्टर हेड लैंप्स, मशीन कट अलॉय व्हील्स, स्कूप्ड एयर इंटेक्स और स्ट्राइकिंग रूफ रेल्स। वहीं रियर में आपको स्प्लिट टेल लैंप्स मिलेंगे। इंटीरियर की बात करें तो यहाँ भी कंपनी ने एक सिंपल येट एलिगेंट डिजाइन थीम को फॉलो किया है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, कुछ समय पहले ही कंपनी ने किया कार्निवल का टीजर वीडियो सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था, जिसमें हमें इस गाड़ी के इंडियन वर्जन की एक झलक देखने को मिली है। किया कार्निवल के इंडियन वर्जन में आपको इंटरनेशनल वर्जन के मुकाबले कुछ मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है डुअल पैनल इलेक्ट्रिक सनरूफ। हाँ फ्रेंड्स, आपको किया कार्निवल में दो सनरूफ देखने को मिलेगा, पहला जो कि फ्रंट सीट्स के ऊपर होगा और दूसरा जो कि सेकेंड रो के ऊपर होगा। सेकेंड चेंज में आपको वीआईपी पैसेंजर सीट्स के साथ ड्राइवर और को पैसेंजर सीट्स में रियर सीट एंटरटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, मतलब कि किया कार्निवल में जो सेकेंड रो की सीट्स आएगी वो अल्ट्रा लग्जूरियस लॉन्ज स्टाइल होगी, जो कि इस सेगमेंट की लीडर इनोवा क्रिस्टा की कैप्टन सीट से कहीं ज़्यादा बेहतर होगी। तीसरा चेंज, आपको वन टच पावर स्लाइडिंग डोर के साथ स्मार्ट पावर टेल गेट मिलेगा, मतलब कि आपके एक बटन प्रेस करते ही डोर ऑटोमेटिक स्लाइड होकर खुल या बंद हो जाएगा। टेल गेट भी कीलेस और ऑटोमेटिक ओपन और क्लोज फीचर के साथ आएंगे। किया मोटर्स का कहना है कि किया कार्निवल में स्टाइल, लग्जरी और परफॉर्मेंस का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन मिलेगा, जिसके लिए कंपनी ने इस गाड़ी में कई खूबियों को इंट्रोड्यूस किया है। इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में किया कार्निवल 7 सीटर, 8 सीटर, 9 सीटर और 11 सीटर ऑप्शंस में आती है। वहीं इंडियन वर्जन में आप बोथ फ्रंट एंड रियर अल्ट्रा लग्जूरियस कैप्टन सीट्स के साथ 6 सीटर, 7 सीटर और 8 सीटर कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। किया कार्निवल मोनोकॉक चेसिस पर बेस्ड है। इसका फायदा ये है कि अंदर काफ़ी जगह मिलती है और राइड क्वालिटी के साथ साथ स्टेबिलिटी भी मिलती है। इसके साथ साथ कंपनी का कहना है इस गाड़ी के कैबिन इंसुलेशन में कंपनी ने अच्छा खासा काम किया है, जिससे इस गाड़ी को एक्सेप्शनल राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी मिलती है और रोड नॉइज भी एकदम मिनिमम है। कंपनी का ये भी कहना है कि किया कार्निवल के इंटीरियर्स में आपको एक क्लास अपार्ट स्टाइल और लग्जरी ऑफर की जाएगी, जिसमें कॉमन फीचर्स के साथ साथ सेगमेंट अपार्ट फीचर्स भी मिलेंगे। फीचर्स की बात करें तो किया कार्निवल में एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले के सपोर्ट वाला टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। इसके साथ साथ 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 2 सनरूफ्स, 360 डिग्री कैमरा, पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे फीचर्स मिलेंगे। वहीं सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इस गाड़ी में ABS के साथ ESP, 8 एयरबैग्स, हिल स्टार्ट असिस्ट, रियर पार्किंग सेंसर्स, रियर व्यू कैमरा, नाइट सेंसिंग हेडलैम्प्स, लेन डिपार्चर वार्निंग, ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग एंड फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग जैसे सिस्टम्स अवेलेबल हैं। बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए इंडिया में किया कार्निवल को BS6 कंप्लाइंट 2.2 लीटर 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन के साथ लॉन्च किया जाएगा, जो 202 HP की मैक्सिमम पावर 440 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इस इंजन के साथ आपको 6 स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन मिलेंगे। किया कार्निवल की असेंबली आंध्र प्रदेश के अनंतपुर स्थित प्लांट में होगी। इस गाड़ी की कीमत 25 लाख रुपए से स्टार्ट हो सकती है, वहीं इसके टॉप वेरिएंट्स की कीमत 30 से 35 लाख ऑन रोड एक्सपेक्ट की जा रही है। किया मोटर्स ने 22 अगस्त को इंडिया में किया सेल्टोस को पहली बार लॉन्च किया था। मिड साइज SUV सेगमेंट में सेल्टोस को इंडिया में काफ़ी पसंद किया गया। किया कार्निवल के लॉन्च से कंपनी को कुछ ऐसी ही उम्मीद है। हाल ही में सामने आई रिपोर्ट में पता चला है किया कार्निवल की प्री बुकिंग्स देश के कुछ चुनिंदा डीलरशिप पर खुल गए हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो चैनल को और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए। आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद।